नमस्कार दोस्तों, माझा टेक्निकल चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि आखिर क्या कारण है कि आज के डेट में मोस्टली जो यूट्यूबर्स हैं वो सक्सेस नहीं हो पाते हैं। इन दिनों आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो करोड़ों में, वहां पे अरबों में यूट्यूबर आपको मिल जाएंगे, लेकिन उस अरबों यूट्यूबर में गिनती के कुछ यूट्यूबर होते हैं जो वहां पे सक्सेस हो जाते हैं। बाकी सारे के सारे यूट्यूबर जो है वो वहां पे वीडियो बनाकर अपलोड तो जरूर करते हैं, लेकिन उनका नाम वहां पे नहीं देखा जाता है, उनका पहचान जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता है। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 1000 चैनल क्रिएट किया जाता है तो उस 1000 में सिर्फ और सिर्फ 20 ही ऐसा यूट्यूब चैनल होगा जो सक्सेस हो जाएगा। बाकी जो 980 यूट्यूब चैनल है वो वहां पे सक्सेस नहीं होगा। साथ ही साथ 980 यूट्यूब चैनल में सिर्फ और सिर्फ वहां पे 150 ही चैनल होगा जिसका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल होता है। बाकी जो लगभग बचे हुए वहां पे चैनल है वो सारे के सारे क्रिएटर्स एक साल के अंदर उस चैनल को छोड़ देते हैं। तो आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है, क्रिएटर्स वहां पे गलती क्या करते हैं और आज के डेट में वहां पे यूट्यूबर क्यों नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं, वो इस वीडियो में आप जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर 2022 में YouTube प्लेटफॉर्म की बात करें, जो YouTube क्रेज की बात करें, तो आज के डेट में यहाँ पे क्रिएटर्स का संख्या काफी ज्यादा बढ़ गया है। जिस तरीके से व्यूवर्स का संख्या बढ़ा है ठीक उसी तरीके से क्रिएटर्स का भी संख्या जो है YouTube प्लेटफॉर्म पे काफी ज्यादा बढ़ गया है। पहले अगर आप 2015 में या फिर 2015 से पहले YouTube प्लेटफॉर्म पे अगर किसी भी कैटेगरी पे कुछ यूट्यूबर को आप सर्च करते तो वहां पे गिनती के कुछ यूट्यूबर मिलते जिनका चैनल जो है अच्छा खासा हाईलाइट होता था या फिर अच्छा खासा चलता था। चाहे आप टेक्निकल का ले लीजिए या फिर एजुकेशनल लीजिए, फनी लीजिए या फिर वहां पे किसी भी तरीके का आप चैनल लीजिए, वहां पे कुछ गिनती के क्रिएटर्स ही हुआ करते थे जिनके वीडियो को व्यूवर्स जाकर वहां पे देखते थे। लेकिन आज के डेट में आप देखेंगे जिस कैटेगरी पे आप चले जाइए लाखों यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएगा। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब से इंटरनेट का क्रांति आया हुआ है, जब से हर इंसान के पॉकेट में इंटरनेट आ गया है, लगभग जो वहां पे क्रिएटर्स हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ गए हैं और जिनको जिनके पास कोई आर्ट भी नहीं है, जिनके पास अपना कोई एक्टिविटी भी नहीं है, वो कहीं ना कहीं से देखकर उसी पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया और वो भी यूट्यूब को ज्वाइन कर चुके हैं। तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन हम आपको बता दें, यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वही यूट्यूबर जो है यहाँ पे सक्सेस होते हैं जिनका अपना कुछ मोटिव होता है, यानी कि वैसा कंसेप्ट जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे नहीं हो। आज भी ऐसा नहीं कि 2022 में क्रिएटर्स जो है यहाँ पे सक्सेस नहीं करते हैं, या फिर कोई अगर यूट्यूब को ज्वाइन करता है तो सक्सेस नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उसके पीछे दो लॉजिक आपको लेकर आना होगा। या तो आपको कंटेंट कुछ ऐसा तैयार करना होगा जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वैसा कंटेंट कोई बनाकर नहीं डालता हो, लेकिन ये भी आज के डेट में YouTube पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जिस कैटेगरी पे आप वीडियो YouTube प्लेटफॉर्म पे सर्च करने जाएंगे उस पे आपको वीडियो मिल जाएगा। लेकिन 2% आज भी ऐसा स्पेस खाली है जहां पे कुछ कैटेगरी जो है खाली है, उस पे वीडियो आज भी क्रिएटर्स जो है बराबर अपलोड नहीं करते हैं। तो अगर उस कंटेंट को आप सर्च करते हैं, अपने दिमाग में वैसे कैटेगरी को आप ढूंढते हैं और उस पे वीडियो जब आप बनाकर अपलोड करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे 6 महीना के अंदर, 1 साल के अंदर जो है आप अच्छा खासा यूट्यूबर बन सकते हैं। लेकिन चलिए अगर आपके पास कोई भी आर्ट नहीं है, अपनी खुद की कोई एक्टिविटी नहीं है, आप किसी यूट्यूबर को देखे यूट्यूब वीडियो बनाते हुए और उसका वीडियो आपको पसंद आ गया और उसी के कैटेगरी पे आप भी वीडियो बनाना शुरू कर दिए, तो चलिए कम से कम आप किसी के कैटेगरी को कॉपी कर रहे हैं तो आप वहां पे जो वॉइस ओवर कर रहे हैं, आपका जो बोलने का वहां पे तरीका है आप उसको चेंज कीजिए, आप कुछ ऐसे तरीके से आप वहां पे वॉइस ओवर कीजिए, आप अपने वीडियो में कुछ इस तरीके से आप वीडियो को बनाइए, कुछ वैसा उसमें आवाज डालिए जिसपे दर्शक जो है औरे के वीडियो को छोड़कर आपके वीडियो को देखने पे मजबूर हो जाए। यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अगर जिस कैटेगरी पे आप वीडियो लेकर आ रहे हैं उस कैटेगरी के लाखों क्रिएटर्स जो है यहाँ पे पड़े हुए हैं और ऑलरेडी उसके दर्शक पहले से उसका वीडियो देखते हैं, तो आप सोचिए अगर आप नया यूट्यूब चैनल बनाते हैं और नया वीडियो अपलोड करते हैं तो जो पहले से किसी यूट्यूबर से जुड़े हुआ है वो आपके चैनल पे इतना जल्दी नहीं आने वाला है। लेकिन ये भी तय है कि आज के डेट में जो यूट्यूब व्यूअर्स है वो किसी सब्सक्राइबर के बंधे हुए व्यूअर्स नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो आप किसी दूसरे टेक्निकल क्रिएटर्स के वीडियो को आप नहीं देखेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसका वीडियो आपको पसंद आएगा आप डायरेक्ट उसके वीडियो को जाकर आप देखेंगे। तो यहाँ पे जो क्रिएटर्स है यही सबसे बड़ी गलती करते हैं, उनके पास खुद का कोई आर्ट नहीं होता है, किसी दूसरे को आर्ट को लेकर आते हैं और उसी पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक तो सबसे पहले जो यहाँ पे 80% जो क्रिएटर्स फेल होते हैं उसके पीछे की कहानी सबसे बड़ी यही है। दूसरा यहाँ पे लॉजिक ये भी होता है कि लगभग जो यूट्यूबर है उनके अंदर पेशेंस नहीं होता है,
जैसे ही कोई यूट्यूबर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाकर चैनल को क्रिएट करता है और एक से दो महीना वो वीडियो वहां पे अपलोड कर देता है, जब वीडियो पे कोई व्यू नहीं आता है तो उस स्थिति में वो कहीं ना कहीं क्रिएटर जो है परेशान होना शुरू हो जाता है और उस स्थिति में वो धीरे धीरे वहां पे जो है डीमोनेटाइज हो जाते हैं, यानी कि निगेटिव वे में वो जाना शुरू कर देते हैं और 6 महीना तक अपने चैनल को खींच कर लेकर जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब व्यू नहीं आता है तो 6 महीना के बाद ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म को छोड़ देते हैं। कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो अपने YouTube चैनल को सिर्फ और सिर्फ मोनेटाइजेशन कराने के लिए 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटा वॉच टाइम पुराने के लिए 1 साल तक वो YouTube प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हैं और वो भी मेहनत उस तरीके से करते हैं, उनके दिमाग में एक चीज फिक्स होता है कि प्रतिदिन एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे डालना है तो डालना है और वो सिर्फ एक वर्क समझ के एक सिर्फ वहां पे किसी तरीके से वीडियो डाल देना है, उसके आधार पे वो वीडियो बनाते हैं और डालते चले जाते हैं। जब 1 साल के अंदर उनके चैनल पे एक क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है तो फिर वहीं से वो यूट्यूब प्लेटफॉर्म को छोड़कर माइनस हो जाते हैं, यानी कि बैक हो जाते हैं। तो ये लगभग क्रिएटर्स के साथ ये भी समस्या होता है। तो जो भी क्रिएटर्स आज के डेट में यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर रहे हैं, आप अपने माइंड में एक चीज जरूर आप सेट कर लीजिए कि अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपको अपने यूट्यूब चैनल को जो है मोनेटाइजेशन ऑन कराना है और आप YouTube पे पहले से परिचित नहीं है, यानी कि नया नया आप YouTube को ज्वाइन किए हुए कोई व्यक्ति पहले से आपको नहीं जानता है, तो लगभग आप वहां पे सोच के चलिए कि 6 महीना जो है बिल्कुल नॉन स्टॉप आपको वहां पे मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा कि आपके वीडियो पे व्यू आ रहा है या फिर आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, आपको कंटिन्यू सिर्फ अपने चैनल पे जो है बेहतर कंटेंट वो अपलोड करना है। दूसरी चीज, कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जो वहां पे 2 महीना तक अपने एक कैटेगरी को लेकर जो है यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आगे बनाते हैं, यानी कि जिस कंसेप्ट को लेकर वो यूट्यूब चैनल बनाए हुए थे उस पे 2 महीना तक वो आगे वीडियो अपलोड करते हैं। जब देख लेते हैं कि उस वीडियो पे व्यू नहीं आ रहा है तो फिर वो ऐसे वीडियो को बनाना शुरू कर देते हैं जिन वीडियो को लेकर कहीं ना कहीं उनको लगता है कि दर्शक देखना पसंद करेगा या फिर कुछ कोई वायरल मुद्दा हो जाता है तो उस पे वो वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। मतलब वैसे क्रिएटर्स जो सिर्फ ये टारगेट करते हैं कि आखिर अपने वीडियो पे कैसे हम व्यू को उठा लें। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान में रखिए, जब जब आप अपने यूट्यूब चैनल पे कैटेगरी से अलग आप हटेंगे, आप अपने यूट्यूब चैनल के कैटेगरी से अलग वीडियो को आप बनाएंगे तो वहां पे हो सकता है कुछ वीडियो आपका चल जाए। ये हम नहीं कहेंगे कि आपका वीडियो जो है नहीं चलता है, लेकिन अगर ये कंटिन्यू आप चलाते हैं, कंटिन्यू आप 3 महीना के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल के कैटेगरी को चेंज कर देते हैं और पहले एजुकेशनल आप चला रहे थे अब टेक्निकल चलाना शुरू कर देते हैं या फिर पहले आप फनी चला रहे थे अब न्यूज डालना शुरू कर देते हैं, तो इस स्थिति में 100% जो आपका यूट्यूब चैनल है वो डेड हो जाता है, यानी कि मर जाता है। जो भी आपके एक्टिव सब्सक्राइबर होते हैं वो आपसे जो है माइनस हो जाते हैं, वो बैक हो जाते हैं और वो आपके वीडियो को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इस चीजों को भी लेकर आपको पेशेंस लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है और 6 महीना तक जैसा कि हम आपको पहले ही बताया कि व्यू और सब्सक्राइबर बिल्कुल आप छोड़ दीजिए, सिर्फ आप अपने कंटेंट पे ध्यान दीजिए, अच्छा से अच्छा आप वीडियो को जो है अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कीजिए। आप 6 महीना के अंदर आप देखेंगे कि आपसे जो है कुछ व्यूवर्स आपसे जुड़ना शुरू कर दिए हैं और वो धीरे धीरे आपके चैनल पे आगे की ओर आपको भी एक्टिव करा रहे हैं और वो पॉजिटिव सब्सक्राइबर भी आपके बन रहे हैं। तो ये चीज तो हमेशा ध्यान रखिए, YouTube प्लेटफॉर्म पे अगर सक्सेस होना है तो आप ये टारगेट ही लेके चलिए कि 1000 में से 20 ही यूट्यूबर ऐसे होते हैं जो सक्सेस होते हैं, बाकी अगर सक्सेस नहीं भी होते हैं वहां पे कुछ ही आपके व्यूअर्स आपसे जुड़ के रहते हैं तो कम से कम आपका चैनल मोनेटाइज जरूर हो जाता है, वहां से अर्निंग आप जरूर कर देते हैं। लेकिन ये दोनों चीज पाने के लिए आपको YouTube प्लेटफॉर्म पे लंबा समय तक जो है पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा।